रंजिश के चलते दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। किसी तरह जख्मी युवक ने कोतवाली पहुंचकर अपनी जान बचाई। घायल को पहले CSC बिस्वा ले गए। नाजुक हालत देख चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिर पता नहीं क्या हुआ कि सीधा जिला अस्पताल पहुंचने के बजाय घायल कैसे CSC लहरपुर पहुंच गया। उपचार के बाद जब हालत नहीं सुधरी तो उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के अंतिम संस्कार के लिए पुलिस द्वारा दी गई 25,000 की रकम परिजनों ने लहराई और दबंग समेत दोषी पुलिस पर कार्रवाई के साथ ही न्याय की गुहार भी लगाई। उधर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बिस्वा कोतवाली इलाके के मास्टर कॉलोनी निवासी रवि त्रिवेदी पुत्र किशन लाल त्रिवेदी और सरावगी टोला निवासी लकीनाग पुत्र दिनेश के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया। बातचीत बढ़ने पर दबंगों ने रवि की जमकर पिटाई कर दी। बताते हैं कि घायल रवि ने किसी तरह भागकर कोतवाली पहुंचकर अपनी जान बचाई। सूचना पाकर परिजन कोतवाली पहुंचे। घायल रवि की देर रात तबीयत बिगड़ गई। इस पर पुलिस घायल को बिस्वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आई। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया, लेकिन पता नहीं बीच में क्या हुआ कि घायल को जिला अस्पताल पहुंचने के बजाय CSC लहरपुर किसने पहुंचा दिया। उपचार के दौरान उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता ने घटना की जानकारी देते हुए पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। बोले, मृतक के दाह संस्कार के लिए उसे 25,000 रुपये दिए। दोनों लड़कों को और उनको 11 बजे तक हमारे लड़के की हालत सही रही। 11 बजे के बाद 12-1-2 के बीच में पता नहीं क्या हुआ कि लड़का, जब सवेरे हमको फोन मिला कि आपका लड़का अस्पताल में है, मैं पहुंचा तो मेरा लड़का पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। फिर क्या किया? फिर अस्पताल ले गए। हमसे ये नहीं पूछा कि कौन अस्पताल है, कहीं प्राइवेट में चलते हैं, वहाँ अच्छी सुविधा होगी। हमने कहा चलो भाई, जहाँ मतलब पैसा तुम्हारे पास है नहीं, पहले CSC ले गए ना, कहे कि लहरपुर चलते हैं। तो लहरपुर में गणेश ICU हॉस्पिटल, वहाँ ले गए। वहाँ 2-3 घंटे इलाज हुआ, लेकिन हालत बिगड़ती रही। अंत में उन्होंने वापस कर दिया तो फिर सीतापुर जिला अस्पताल वहाँ पहुँचे, वहाँ मृत घोषित हुआ रस्ते में। पैसे दिए हम उसको दाह संस्कार के लिए, लड़के का अपना दाह संस्कार कर दिया। किसने दी? प्रशासन से यही चाहता हूँ कि उसको सजा मिले। कोई नहीं तो मुकदमा लिखवाएंगे? बिल्कुल, मुकदमा भी लिखवाएंगे, जेल भी कराएंगे, और इसकी जो है वो फांसी भी दिलाएंगे। अब समझ में नहीं आता कि ये लड़का पैरों से भाग कर थाने तक पहुंचा। पुलिस प्रशासन ने खड़ा नहीं हुआ। घटना में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव सिंह ने मामले की जानकारी दी। निरीक्षक बिस्वा द्वारा यह बताया गया कि दिनांक 9 अप्रैल को मास्टर कॉलोनी निवासी एक 25 वर्षीय युवक रवि त्रिवेदी के साथ मगरहिया निवासी एक युवक लकी द्वारा मारपीट और गाली गलौज की घटना खारिज की गई थी। इस संबंध में 10 अप्रैल को रवि की माँ द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर NCR पंजीकृत की गई और उसी संबंध में दोनों पक्ष आए हुए थे, जिसमें से रवि की जो है वो अचानक तबीयत खराब होने पर उसे तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्वा ले जाया गया और वहाँ से बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल सीतापुर से रेफर किया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके परिजनों की उपस्थिति में सबका पंचायतनामा करा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की गई और जो परिजन द्वारा तहरीर दी गई उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जो नामजद आरोपी था वह पुलिस हिरासत में है और इसके बाद उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें मृतक को कोई चोट आना अंकित नहीं है। उसका बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है, जो कि शरीर परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इस संबंध में परिजनों द्वारा जो भी पुलिस की भूमिका के संबंध में आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी सम्यक जांच के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिला मजिस्ट्रेट महोदय से अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा एक मजिस्ट्रेट को इस जांच हेतु नामित किया जाएगा और उनकी जांच के पश्चात जो भी निष्कर्ष होंगे उनके आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए।